ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल शाम रसीद कंपाउंड में एक इमारत का स्लैब गिर गया। इस इमारत का स्लैब चौथे मंजिले पर गिरा करीब 6 बजे के आसपास, मगर इसकी जानकारी मनपा को नहीं दी गई। रात करीब 8 बजे के समय जब मनपा अधिकारियों को जानकारी मिली कि रशीद कंपाउंड में बसेरा अपार्टमेंट में चौथे मंजिले पर स्लैब गिरा है, जिसके बाद मनपा कर्मचारियों के साथ दमकल विभाग के जवान भी मौके पर पहुंच गए। आपको बता दें कि ये बसेरा अपार्टमेंट जर्जर हो चुका है, इस इमारत की हालत ठीक नहीं है। हालांकि इमारत में रहने वाले लोगों को उनकी जरूरी सामान लेने के बाद इमारत को खाली करा दिया गया है। इस इमारत में 22 मकानों को सील किया गया है। हालांकि खाली करवाने के वक्त कुछ लोग खाली करने को राजी नहीं थे, क्योंकि उनका इस घर के अलावा और भी कहीं रहने का बंदोबस्त नहीं था, मगर फिर भी मनपा ने इमारत को खाली करवाया है। स्लैब गिरने की वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ है, मगर मनपा का कहना है कि बारिश बहुत है मगर मनपा का कहना है कि बारिश लगातार हो रही है और इस बसेरा अपार्टमेंट इमारत जर्जर हो चुकी है, इसलिए इमारत को खाली करना बेहद ज़रूरी है। मगर वहीं इमारत में रहने वालों ने बताया कि धीरे धीरे इमारत की रिपेयरिंग की जा रही थी, मगर जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इमारत में कई जगह पानी लीकेज है, इमारत बिल्कुल रहने के लायक नहीं है, ऐसा मनपा कर्मचारियों ने बताया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखें किस तरह से इमारत का स्लैब गिरा है और किस तरह इस इमारत को खाली कराया गया। तो देखा आपने इस बसेरा अपार्टमेंट 4 मंजिला इमारत में किस तरह से स्लैब गिरा था, लेकिन फिर भी स्लैब गिरने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बहरहाल बसेरा अपार्टमेंट नामक इमारत को खाली कर सील कर दिया गया है। जो लोग इमारत से खाली कराया गया है उन्हें रहने के लिए मनपा अधिकारियों की बातचीत जारी है कि इन्हें रहने के लिए कहां जगह दी जाए। जब तक इस इमारत की ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इन्हें इमारत में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या ये इमारत रहने के काबिल है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।